तो हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम देखेंगे कि क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, और जो भी कुछ होगा हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो 2 मिनट आप रुके और आपको केमिस्ट्री लाइव टाइटल पे गो लाइव। तो थर्मोडायनेमिक्स में जो थर्मो है उसका मींस होता है हीट फ्लो। उसका मींस क्या है? हीट फ्लो। तो अगर कहीं पे हीट का फ्लो हो रहा हो तो हम उसको कहेंगे थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहेंगे? थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर? अब अगर वो हीट का फ्लो किसी मैकेनिकल प्रोसेस में हो रहा है तब हम उस रिएक्शन को या उस थर्मोडायनेमिक्स का नाम रखेंगे मैकेनिकल थर्मोडायनेमिक्स। या 12th की फिजिक्स में इलेक्ट्रिकल प्रोसेस में अगर एनर्जी या हीट का फ्लो हो रहा है तो हम उसको कहेंगे इलेक्ट्रिकल थर्मोडायनेमिक्स। और केमिस्ट्री में अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हीट का फ्लो हो रहा है तो हम उसको कहेंगे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो हम क्योंकि केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो हमारा मेनली फोकस केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पर रहेगा। तो अब थर्मोडायनेमिक्स की पहली और पहला पार्ट क्या पढ़ेंगे? हमारे पास फर्स्ट पार्ट है सिस्टम और दूसरा इसका काउंटर पार्ट हम लिख लेते हैं सराउंडिंग। अब सिस्टम क्या है और सराउंडिंग क्या है? हमने थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए यूनिवर्स का कोई भी एक पार्ट ले लिया। वो पार्ट बहुत छोटा भी हो सकता है, मतलब एक पानी की बूंद या ड्रॉप, या पूरा का पूरा समुद्र ले लिया। तो जिसकी भी हम थर्मोडायनेमिक स्टडी करेंगे उसको हम सिस्टम कहेंगे। सिस्टम कितना भी बड़ा हो सकता है और कई टाइप का हो सकता है। इस सिस्टम को जब हम छोड़ देंगे इसके बाहर का जो पूरा एरिया है वो सब सराउंडिंग कहलाएगा। जैसे क्लास में 100 बच्चे हैं और हमने एक बच्चा उसमें से सेलेक्ट कर लिया तो वो बच्चा सिस्टम है, और बाकी बच्चे, टीचर, क्लास, बेंच, टेबल ये सब सराउंडिंग में आएंगी। तो हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं इस सिस्टम का सराउंडिंग पर, और सराउंडिंग का सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ता है। क्लियर? तो सिस्टम क्या है? 3 टाइप का होता है। पहला सिस्टम है ओपन सिस्टम। जो ओपन सिस्टम है इस सिस्टम में एनर्जी और मैटर दोनों का ही सराउंडिंग के साथ में एक्सचेंज हो सकता है। मतलब सिस्टम में से मैटर बाहर भी जा सकता है और सराउंडिंग से मैटर सिस्टम पे आ भी सकता है। दूसरा, सिस्टम से एनर्जी बाहर भी जा सकती है और सराउंडिंग से आ भी सकती है। तो ओपन सिस्टम का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है हम सब ह्यूमन बीइंग, प्लांट। हम खाते हैं और सुबह निकाल देते, ठीक है ना? तो देखो मैटर का एक्सचेंज हुआ और इस प्रोसेस में एनर्जी का भी सिस्टम के साथ, सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होता है। तो जितने भी प्लांट हैं या एनिमल, या हमने एक खुले कप में अगर चाय रख दी है तो वो भी ओपन सिस्टम है, क्योंकि गरम गरम चाय की वेपर्स सराउंडिंग में जाएंगी तो वाटर मॉलिक्यूल जा रहे। दूसरा सिस्टम है क्लोज सिस्टम। जो क्लोज सिस्टम होता है उसमें सिर्फ एनर्जी ही एनर्जी एक्सचेंज होगी, मैटर का कोई एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। तो हम लिख लेंगे क्लोज सिस्टम में ओनली एनर्जी एक्सचेंज। अब आया कि इसका एग्जाम्पल क्या है। इसका जो सबसे अच्छे 2 एग्जाम्पल हैं जो किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है सोलर कुकर। हमने सोलर कुकर में खाना रखा और बंद कर दिया और उसको बाहर धूप में रख दिया तो जो सनलाइट थी वो सिस्टम के अंदर एंटर कर गई, ठीक है ना? लेकिन अंदर से खाना बाहर नहीं गया।
हेलो। दूसरी द्वारा से चालू करें। तो क्लोज क्लोज सिस्टम में केवल और केवल एनर्जी का ही एक्सचेंज होगा, ठीक है। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सैटेलाइट। सैटेलाइट को हम अर्थ के चारों तरफ सेट करते हैं और वो अर्थ की ऑर्बिट में रोटेट करता है। अर्थ से हम सिग्नल्स को सैटेलाइट के पास भेजते हैं और सैटेलाइट उन सिग्नल्स को वापस अर्थ पर सैटेलाइट वापस से उसको वापस से अर्थ पर भेज देते हैं। तो केवल एनर्जी का एक्सचेंज। और जो नेक्स्ट है वो है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा और ना ही मैटर का एक्सचेंज होगा। तो ओपन में दोनों एक्सचेंज होंगे, एनर्जी प्लस मैटर। क्लोज्ड में सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होगा और आइसोलेटेड का भी एक्सचेंज नहीं होगा। और इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है थर्मोफ्लास्क। थर्मोफ्लास्क में जब हम कोई चीज रख देते हैं तो वो या तो ठंडी रहती है या फिर गर्म रहती है, क्योंकि थर्मोफ्लास्क का काम है उसका सराउंडिंग के साथ में कांटेक्ट खत्म कर देना। हम इसके लिए दो वॉल लेते हैं और वॉल के बीच में वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं जिससे हीट का एक्सचेंज बंद हो जाता है। तो ना तो हीट अंदर जाती है ना हीट बाहर जाती है। मैटर ऑलरेडी हमने उसको बोतल में बंद कर दिया है, इसलिए बोतल में से मैटर भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बन जाएगा, वो हमसे पूछ लेगा सैटेलाइट किस टाइप का सिस्टम है। क्या सैटेलाइट कैसा सिस्टम है? सैटेलाइट हमारा होगा क्लोज सिस्टम, क्योंकि सैटेलाइट में सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होता है, जबकि आइसोलेटेड में किसी का भी एक्सचेंज नहीं होता है। अगर किसी को डाउट है तो चैट बॉक्स में है अपनी। तो हम चलते हैं आगे और देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स की नेक्स्ट कहानी। थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट फंक्शन, है ना। स्टेट फंक्शन हम पढ़ रहे हैं, नया टॉपिक नाम है उसका स्टेट। स्टेट फंक्शन का मतलब है ऐसी प्रॉपर्टी जो पाथ पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ अपनी इनिशियल और फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करती हैं। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो किस पाथ से गया। एग्जाम्पल, स्टूडेंट है जो घर से चला और ये उसका स्कूल। एक रास्ता ये है कि वो बिल्कुल सीधा स्कूल गया, दूसरा रास्ता ये है कि वो अपने दोस्त के घर गया और फिर स्कूल। तीसरा तरीका ये है कि उस रास्ते में सारे चीज और फिर। अब पूछा जाए किस, ठीक है ना, इस पर इंटरनल एनर्जी पर ज्यादा चेंज होगा, तो बच्चे को लगेगा इस पर इंटरनल एनर्जी एक पाथ फंक्शन, मींस ये प्रोसेस पर पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में इंटरनल एनर्जी का चेंज सेम रहेगा, लेकिन वर्क डन वर्क जो है वो पाथ फंक्शन है, वो पाथ पर डिपेंड करेगा। पाथ पर सबसे कम काम होगा तो थोड़ा ज्यादा, और इस वाले पाथ पर सबसे ज्यादा वर्क डन होगा। तो कुछ बच्चे रॉकेट होते हैं, है ना, और वो सबसे ज्यादा वर्क डन करते हैं, कभी भी स्कूल आते है ना, कभी भी स्कूल नहीं आते, घूम घाम के आते हैं। तो
उन बच्चों की सारी एनर्जी पहुंचने में ही खत्म हो जाती है और वहां पर फूके हुए कॉइल की तरह पहुंचते हैं, वहां पर फूके हुए कॉइल की तरह पहुंचते हैं और फिर एनर्जी होती ही नहीं। तो हम थर्मोडायनेमिक्स में जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं वो सारी की सारी स्टेट फंक्शन, और कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, और इसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं और इसको यू से भी दिखाते हैं। दूसरा है एच। एच का मीन एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी भी स्टेट फंक्शन है। थर्ड हमारा होता है एंट्रोपी, और फोर्थ है गिब्स। तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं जो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने वाले हैं, चारों की चारों स्टेट फंक्शन है। इनके अलावा जो प्रॉपर्टीज हैं वो पाथ पर डिपेंड हो सकती हैं, जैसे वर्क डन, टेम्परेचर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हमने इस टॉपिक में यहाँ पर समझा है कि स्टेट फंक्शन क्या होता है। फिर से बताता हूँ, अगर कोई प्रॉपर्टीज पाथ पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ अपनी इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम, हेलो, अभी खराब आ रही है बोल, देखो तो हमारे पास कई सारे फैक्टर होते हैं जिनकी जिनसे हम इनको पढ़ सकते हैं। तो स्टेट फंक्शन हम उनको कहेंगे जिसमें प्रॉपर्टीज सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेज पर ही डिपेंड करती है, पाथ पर डिपेंड नहीं करती है। क्लियर? 2 सेकेंड में वापिस आते, हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है वो दो टाइप की होती है। तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज दो टाइप की होती है, एक प्रॉपर्टी जो क्वांटिटी पर जा रही है, और देख तो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज दो टाइप की होती है, और दो टाइप की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, एक प्रॉपर्टीज जो क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं, क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं, और दूसरी होती है जो क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। तो जो क्वांटिटी पर डिपेंड करती है उसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव क्वांटिटी, उसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव क्वांटिटी, और जो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती उसको हम कहते हैं इंटेंसिव इंटेंसिव क्वांटिटी। क्लियर? तो हमें दो टाइप की प्रॉपर्टीज मिल गई है। एक्सटेंसिव में आप लिख लें जो क्वांटिटी पर डिपेंड करेगी, डिपेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, और ये नॉट डिपेंड, नॉट डिपेंड अपॉन क्वांटिटी
ऑफ मैटर। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं दूसरी बात, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव है और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इंटेंसिव। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक बॉक्स बना लिया, ये एक लीटर का बॉक्स है और उसमें एक लीटर पानी भर दिया, मतलब 1000 ग्राम पानी भर दिया। और 1000 ग्राम पानी भरने के बाद में उस कंटेनर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले पूरे वाटर का वेट 1000 ग्राम था, जब हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो दोनों ही पार्ट हमने इक्वल डिवाइड किए हैं, तो दोनों का ही मास दोनों पार्ट में 500 ग्राम वाटर होगा। तो जो मास हमारा है वो एक्सटेंसिव क्वांटिटी हो जाएगी। अगर हमने इसमें 1000 ml वाटर फिल किया था और इक्वल डिवाइड करने के बाद दोनों पार्ट में 500 ml वाटर रह जाएगा, तो वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव क्वांटिटी है। ठीक है, हम देखते हैं इसकी इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी भी, या हम ऐसे कह सकते हैं क्योंकि हमें भैया कॉम्पिटिटिव क्रैक करना है, थोड़ा पढ़ा ज्यादा सीखा, जितनी भी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है वो सारी की सारी एक्सटेंसिव होती है, मतलब इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी, ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव होती है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा हीट कैपेसिटी, कि हीट कैपेसिटी कैसी होती है। हीट कैपेसिटी भी एक्सटेंसिव क्वांटिटी है और ये इंपॉर्टेंट है। यहां ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वो आपसे पूछेगा हीट कैपेसिटी कैसी प्रॉपर्टीज है, आप जवाब दे देंगे एक्सटेंसिव, लेकिन अगले ही क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा मोलर हीट कैपेसिटी कैसी होगी। तो भैया जब भी किसी में मोलर या स्पेसिफिक नाम जुड़ जाए तो आंख बंद करके इंटेंसिव मान लो। मोलर हीट कैपेसिटी में सब्सटेंस की क्वांटिटी एक मोल फिक्स कर दी गई है, अगर हमने सब्सटेंस को चेंज कर दिया तो वो फिर मोलर हीट कैपेसिटी नहीं रहेगी। और स्पेसिफिक हीट में हमने सब्सटेंस की क्वांटिटी फिक्स कर दी है, तो जब भी कोई क्वांटिटी फिक्स हो जाएगी वो ऑटोमेटिकली इंटेंसिव में चली जाएगी, और इंटेंसिव में फिक्स करने के लिए उसके आगे मोलर या स्पेसिफिक वर्ड लिखा हुआ हो। क्लियर। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट के एग्जाम में और या जेई के एग्जाम में पूछा हुआ है, नंबर ऑफ मोल कैसी प्रॉपर्टीज। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम W को M से डिवाइड करते हैं, मींस मास को, वेट को मोलर मास से डिवाइड करते हैं। अगर हम वेट चेंज कर देंगे, जैसे हमने 500 ग्राम कर दिया था, तो 500 पहले 1000 था, 1000 को 18 से डिवाइड करते हैं तो वाटर के मोल 55.5 आते हैं। लेकिन अगर हम 500 ग्राम कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे, मींस नंबर ऑफ मोल्स एक एक्सटेंसिव क्वांटिटी होगी। क्लियर। अब हम चलते हैं इंटेंसिव क्वांटिटी की स्टडी करने के लिए, कौन कौन सी क्वांटिटी इंटेंसिव होती है। जो क्वांटिटी या जो प्रॉपर्टीज क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करे उसे इंटेंसिव कहते हैं। एग्जाम्पल डेंसिटी, डेंसिटी हमेशा 1 ग्राम पर ml निकाली जाती है या केजी मीटर क्यूब में निकाली जाती है। तो जिस भी क्वांटिटी को हमने किसी यूनिट से बाइंड कर दिया वो अपने आप ही, ठीक है ना, इंटेंसिव हो जाएगी। तो वाटर की डेंसिटी, चाहे हम एक बूंद पानी की डेंसिटी पूछे
या समुद्र के पानी की डेंसिटी पूछे, हमेशा सिमिलर रहेगी। अगली है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी एक सिंगल एटम की प्रॉपर्टीज होती है, ये क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। हम H2O चाहे 1 लीटर लें, चाहे 10 लीटर लें, या पूरा समुद्र ले लें, उसकी विस्कोसिटी की वैल्यू सिमिलर रहेगी। अगला है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। हमने इस वाले केस में 1000 ग्राम वाटर लिया था। अगर हम 100 ग्राम वाटर ले लें तो क्या उसके बॉइलिंग पॉइंट में कोई चेंज आएगा? नहीं, उसके बॉइलिंग पॉइंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। उसके बॉइलिंग पॉइंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो 100 डिग्री ही रहेगा। इसी तरह मेल्टिंग पॉइंट वाटर का 0 डिग्री ही रहेगा, चाहे हम 1 ग्राम पानी लें, चाहे 10 ग्राम पानी लें, या 100 ग्राम पानी लें। हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक इंडिविजुअल एटम की प्रॉपर्टीज है। हम चाहे हीरे का, डायमंड का बड़ा पीस ले लें, या बहुत ही चंगा सा पीस ले लें जो हमें आंखों से दिखे भी नहीं, दोनों ही डायमंड के पीस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी। अब आई हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी की जगह अगर मैंने स्पेसिफिक और मोलर हीट कैपेसिटी लिख दिया तो फिर ये हो जाएगी कैसी? ये हो जाएगी इंटेंसिव। अगला है पीएच। हम चाहे एसिड की एक बूंद ले लें, या पूरी बोतल ले लें, या फिर उसका पूरा कंटेनर ले लें, एसिड की या बेस की पीएच में कोई भी फर्क नहीं आएगा। पीएच क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है। तो मुझे लगता है आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में डिफरेंस क्या है। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, इंटेंसिव वो होती हैं जो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। पहली बात, अगर किसी भी क्वांटिटी के आगे मोलर या स्पेसिफिक वर्ड लग जाए तो समझ जाओ वो इंटेंसिव हो गई है। दूसरी बात, अगर हम दो एक्सटेंसिव क्वांटिटी को डिवाइड कर दें तो वो इंटेंसिव क्वांटिटी बन जाती है। एग्जाम्पल डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम। मास एक्सटेंसिव क्वांटिटी है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव क्वांटिटी है, लेकिन जब हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो डेंसिटी आती है, और डेंसिटी एक एक्सटेंसिव नहीं इंटेंसिव क्वांटिटी है। तो दो एक्सटेंसिव क्वांटिटी का डिवीजन इंटेंसिव होता है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और दूसरा नंबर ऑफ मोल्स। कैसी प्रॉपर्टी? नंबर ऑफ मोल्स और हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, जबकि मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक इंटेंसिव क्वांटिटी। अगर किसी को डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख सकता है कि क्या प्रॉब्लम। तो हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा हम पढ़ने वाले हैं वो है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस।
थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट है जिसको हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस हम उन प्रोसेस को कहते हैं जिनमें टेम्परेचर का चेंज जीरो हो, ठीक है ना। कभी कभी आपको स्मॉल डी टी लिखा होगा और कभी कभी डेल्टा टी लिखा होगा, दोनों का मतलब ही चेंज होता है। डी बहुत ही स्मॉल चेंज को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं और डेल्टा टी थोड़ा सा लार्ज चेंज को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। पर होते दोनों ही चेंज हैं, तो डी और टी में ज्यादा फर्क आप मत करना, ठीक है, दोनों एक ही क्वांटिटी। अब आइसोथर्मल प्रोसेस वो होगा जिसमें टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर आप याद रखना कि जब टेम्परेचर में चेंज जीरो है तो जो डी है आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा ई की वैल्यू हमेशा जीरो होती है, और ये बात आपको घर से याद रखनी चाहिए कि अगर उसने किसी क्वेश्चन में आइसोथर्मल लिख दिया तो इसका मीन्स है उसने आपको डेल्टा ई की वैल्यू खुद ही बता दी, ठीक है ना। तो वो कहेगा आइसोथर्मल प्रोसेस में क्यू और डब्ल्यू में क्या रिलेशन होगा। तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है कि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, क्योंकि डेल्टा ई जीरो है तो क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो जाए। इसका मीन्स है कि सिस्टम के एक्सपेंस पर वर्क वर्क डन हो। नेक्स्ट हम देखते हैं आइसोबारिक प्रोसेस, और सेकंड प्रोसेस का नाम है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस हम उन प्रोसेस को कहते हैं जिनमें प्रेशर का चेंज जीरो होता है। तो नेचर में अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है, क्योंकि नेचर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा सेम होता है, तो ऐसे उनको हम आइसोबारिक प्रेशर में डाल सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा हमारा प्रोसेस जिसका नाम है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम का चेंज जीरो होता है। इंग्लिश की बजाय हिंदी में ज्यादा समझना आसान है। आइसोबारिक को हिंदी में कहते हैं समदाबी प्रक्रम। तो साफ साफ लाइन में ही पता लग गया दाब समान है। इसको हम कहते हैं आइसोकोरिक को सम आयतनी प्रक्रम, मतलब आयतन समान है। अब चौथे प्रोसेस का नाम है एडियाबेटिक प्रोसेस। जो एडियाबेटिक प्रोसेस है उसमें डी क्यू जीरो होती है, मतलब हीट में कोई भी चेंज नहीं होगा। हीट में कोई भी चेंज नहीं होगा, इसमें डी क्यू की वैल्यू जीरो आ जाएगी, क्लियर। अब कैसे पता लगे कि एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जितने भी फास्ट प्रोसेस हैं वो सारे ही एडियाबेटिक में आते हैं। जैसे साइकिल का टायर पंचर हो गया, एकदम से हवा निकल गई, तो एडियाबेटिक। हमने किसी को फटाक से झन्नाटेदार चाटा मार दिया, एडियाबेटिक। कहीं पर एक्सप्लोजन हो गया, एडियाबेटिक। तो जितने भी फास्ट प्रोसेस हैं उन सबको हम एडियाबेटिक प्रोसेस मानते हैं। अब हम चलते हैं फिफ्थ प्रोसेस। जो फिफ्थ प्रोसेस है हमारा वो है रिवर्सिबल प्रोसेस। तो फिफ्थ प्रोसेस का नाम है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस हम उन प्रोसेस को कहते हैं जो दोनों ही डायरेक्शन में काम करते हैं। जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा, क्लियर। अब देखना ध्यान से, क्लियर। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में दो
दो फैक्टर काम करते हैं। एक फोर्स वो होता है जो ड्राइविंग फोर्स होता है और रिएक्शन को आगे ले जाता है, और दूसरा अपोजिंग फोर्स होता है जो सिस्टम को पीछे ले जाता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस दोनों ही डायरेक्शन में चलता है और दोनों ही फोर्स लगभग बराबर होते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन ये बनता है कि मैंने एक कंटेनर में गैस ले ली और यहाँ पर पिस्टन लगा, पिस्टन से मैंने P2 एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाइड किया और ये गैस का इंटरनल प्रेशर, गैस पिस्टन पर प्रेशर लगा रही है और हमने एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया, तो किस कंडीशन में मैक्सिमम वर्क डन होगा? मैक्सिमम वर्क डन कब होगा? पहली कंडीशन P1 ग्रेटर देन P2, मतलब इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के कंपैरिजन में ज्यादा है, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन ये है कि एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर से कम है। तीसरी भी एक कंडीशन है कि P1 और P2 लगभग बराबर। तो आप सोच कर देखो, इन तीन कंडीशन में से किस कंडीशन में मैक्सिमम वर्क डन होने की, मैक्सिमम वर्क डन होने की बात। ओके, तो अब आपने मुझे लगता है सोच लिया हो। तो आंसर से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, उस कहानी से शायद आपको इसका आंसर पता लग जाए। कि WWF की कुश्ती चल रही है और एक तो तगड़ा पहलवान है और दूसरा बहुत ही मरियल, तो बताओ कुश्ती कितनी देर चलेगी? क्योंकि एक पहलवान मरियल है तो कुछ देर में ही कुश्ती खत्म हो जाएगी, वर्क डन मिनिमम होगा। दूसरा केस, दोनों पहलवान बहुत ही बराबर के हैं, दोनों की स्ट्रेंथ बराबर है, दोनों एक ही लेवल के हैं, तो घंटों आपस में फाइट चलती रहेगी। तो जब घंटों लड़ाई चलेगी तो वर्क डन भी घंटों के बराबर मैक्सिमम होगा। तो किस कंडीशन में मैक्सिमम वर्क डन होने वाला है? मैक्सिमम वर्क डन होने वाला है जब एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स लगभग बराबर हो। एक बार वो धक्का देगा और एक बार वो धक्का देगा और दोनों प्रोसेस आगे पीछे लगातार चलते रहे। क्लियर? हम चलेंगे अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, जिसका नाम है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस वो होते हैं जो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले, इनका एक ही डायरेक्शन हो फॉरवर्ड। और नेचर में जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे इरिवर्सिबल होते हैं। जैसे हमारी एज लगातार बढ़ती जाती है, नदी का बहना, हवा का बहना, ये सब इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस वो होगा जो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर? तो अब हम चलते हैं और देखते हैं लास्ट प्रोसेस, जिसका नाम है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में हमेशा से बहुत लोचा रहा है, तो सबसे पहले तो देखते हैं साइक्लिक प्रोसेस है क्या। एक ए से कोई सिस्टम चला, बी पर पहुंचा, बी से सी पर, सी से डी पर, और वापस ए पर पहुंच गया, तो हम इस प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे। साइक्लिक प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहली बात, साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा एच और डेल्टा की वैल्यू हमेशा जीरो हो। डेल्टा ई और डेल्टा एच की वैल्यू जीरो होगी। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन होगा या नहीं होगा। तो कई बच्चे ब्लाइंडली कहते हैं नहीं होगा और कुछ लोग कहते हैं होगा।
जितना मुझे आता है उसके हिसाब से ध्यान रखना। अगर चारों साइडें बराबर है तो वर्क डन 0 होगा, लेकिन अगर चारों साइडें बराबर नहीं है तो वर्क डन होगा। ठीक है, तो अगर चारों साइडें बराबर है तो वर्क डन 0 होगा, और अगर चारों साइडें बराबर नहीं है तो फिर वर्क डन 0 नहीं लेंगे। तो हमने यहाँ पर इतने प्रोसेस पढ़ लिए हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम। या स्टेट ऑफ सिस्टम को भी हम इसी क्लास में खत्म करें। स्टेट ऑफ सिस्टम का मींस क्या होता है कि हम किसी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए चार वेरिएबल का यूज करते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल। इन चार प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम किसी भी सिस्टम को डिफाइन करते हैं, और जो भी चीज कांस्टेंट होती है उसको नीचे लटका देते हैं। जैसे सीपी का मतलब हो गया प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कैपेसिटी, और सीवी कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैपेसिटी। तो इसमें से ये जो दो फैक्टर है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करते। जबकि वॉल्यूम को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, वॉल्यूम को हम प्रेशर और टेम्परेचर में से किसी को भी कंट्रोल करके कंट्रोल कर सकते, और नंबर ऑफ मोल्स का कभी क्वेश्चन क्रिएट नहीं होता, क्योंकि तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ही चेंज कर देंगे तो सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए और एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और एन कभी चेंज होता ही नहीं है। तो हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टेट ऑफ सिस्टम को डिफाइन करने के लिए चार वेरिएबल लेंगे, जिसमें से प्रेशर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वॉल्यूम डिपेंडेंट वेरिएबल है, और नैन का कभी क्वेश्चन ही क्रिएट नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप वेट करें, कल पढ़ेंगे हम फिर से।